back everybody. हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और हमारे साथ हमारे मोस्ट रिस्पेक्टेबल गेस्ट मौजूद हैं सर मुस्तफा कमाल. उनसे मजे मजे की बातें चल रही हैं और आपने कंटिन्यू 5 मिनट बातें की आज. बहुत बड़ा सिचुएशन ये क्रिएट हो गई. मतलब आपके कॉन्ट्रैक्ट में 3 मिनट की बात है पता है. सी मैंने बातें करनी. ओ माय गॉड बरकत और उसमें को होते हुए आई वाज टॉकिंग. ओ माय गॉड आई कांट बिलीव इट. वेल गाइस मैं अब यहां पर अपनी नेक्स्ट गेस्ट को इनवाइट करने जा रही हूं. शी स्टार्टेड वर्किंग एज अ चाइल्ड स्टार. सिर्फ 4 साल की उम्र में माशाल्लाह से इतना अच्छा अच्छा सा काम स्टार्ट कर दिया. उसके साथ शी होस्टेड लॉट्स ऑफ शोज. शी एक्टेड इन लॉट्स ऑफ प्लेस. शी इज अ मॉडल. शी एक्टेड फॉर शी इवन डन कमर्शियल्स. सो लेट्स वेलकम वेरी ब्यूटीफुल माया खान. बैठ जाए. थैंक यू. आई नो आई एम द मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन. अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक. फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर अस. जी सही तरह बैठ जाए. आराम से बैठ जाए. इससे ज्यादा आराम से मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठ सकती. आप कंफर्टेबल हैं? आप कंफर्टेबल हैं? बिल्कुल. बजा बहुत कंफर्टेबल कुर्सी है. लोग कंफर्टेबल हैं. अच्छा अच्छा अच्छा. मैरी जी फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी थैंकफुल टू यू कम हियर एंड जॉइन दिस ट्रांसमिशन बिकॉज़ यू आर मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर अस. एंड वन सॉन्ग आई हैव टू डेडिकेट यू. आई होप यू लाइक इट बिकॉज़ यू आर लेजेंड. बिल्कुल. मैं पता रोज रियाज करता हूँ. क्या कभी रियाज नहीं आता उसके घर चले जाता हूँ. मैं पूछने वाली थी आपसे कि आप क्यों यहाँ क्यों बैठे हैं. सिंगिंग क्यों छोड़ दिया. किसने बिठाया आपको ये पूछना चाह रही हूँ. अच्छा क्या हो रहा है आजकल. हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है और किसके कहने पे हो रहा है. कुछ हो रहा है. क्यों हो रहा है किसके कहने पे हो रहा है. आप कुछ एक बात बोलेंगे तो फिर मैं उसका जवाब दूंगी. अच्छा क्या बात बोलेंगे. कुछ एक बात पिन पॉइंट करें तो मतलब इतना अच्छा काम. हाउ डू यू मैनेज दिस टाइम ऑफ वर्क. समझ में नहीं. कैसा गर्मियां स्टार्ट हो गई है. कैसा काम चल रहा है. क्या तो इन्होंने स्टार्ट किया. इन पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं. नहीं इफेक्ट कैसा पड़ रहा है. बेसिकली मैं ये नहीं कह रही हूं. सत्तू पीती है क्या. पीती है गर्मी में. सत्तू मैं बड़े शौक से पीती हूं. गुड़ डाल के. खुद बना के पीती है या बाहर से ठेले से मंगाती. मैं खुद बनाती हूँ. मम्मी को भी पिलाती हूँ. गड़ा गैस खुद भी पी जाती हूँ. पूरा जग भर के. ठीक है. आई आस्क यू वन क्वेश्चन बिकॉज़ यू आर अ मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर अस. ये बताइए वो इज अ बजर राउंड. ओके यू गिव मी आंसर वेरी क्विकली. अच्छा दिमाग में बजर आ गया. हां वेरी क्विकली वेरी फास्ट एंड वेरी स्मूथली. देयर इज नो टाइम. नो टाइम लिमिट्स. आस्क मी एक आंसर के वो कौन सी मेहंदी है जिसे लड़कियां देखती हैं पर लगा नहीं सकती. ड्रामा मेहंदी. दिलेर मेहंदी. अच्छा एक और सवाल है. अगर लाल रंग का जूता हरे रंग के पानी में डालेंगे तो क्या होगा. लाल रंग का जूता हरे रंग के पानी में डालेंगे तो क्या नीला नजर आएगा. शायद क्या नजर आएगा. नीला जूता गीला हो जाएगा. अच्छा सर मुस्तफा भाई आई आस्क यू वन क्वेश्चन. आई होप यू डोंट माइंड बिकॉज यू आर अ मोस्ट रिस्पेक्टेबल पर्सन फॉर अस. व्हिच टाइप फिल्म यू हैव टू सी If you free. मतलब इनका कहने का मतलब आपको कौन सी मूवीज पसंद है. हाँ, जब फ्री होते हैं तो. जब फ्री होते हैं. इतनी तो फ्रीक्वेंसी हो गई है मेरी भी इतनी देर में. नहीं समझ सकूं. That's good. That's good. वो अच्छी मूवी कोई भी अच्छी मूवी. अच्छा. अच्छी मूवी तो अच्छी लगती है जिसपे कॉन्टेंट हो. लेकिन डिपेंड करता है सारा के. अभी मैंने लास्ट जो मूवी देखी वो बहुत शोर जो उसका मचा 3 Idiots मैंने देखी. वो मेरी लास्ट. हिलेरियस फिल्म सर. बहुत जबरदस्त है. बहुत जबरदस्त. उसमें क्या पसंद आया सर. उसमें कंटेंट अच्छा है उसका. अच्छा कंटेंट. आइडियाज अच्छे कंटेंट. अच्छा पुलिस वालों से कभी रابطہ पड़ा आपका. जैसे जब ट्रैफिक पे गाड़ी रुकती है. नहीं कभी कोई ऐसा वासा नहीं. ऐसा हुआ है जो एक्सप्रेस वे बना है उस पे एक बार मेरे चालान कट गया था. तो शादी हो गई आपकी. नहीं इस पर्सनल क्वेश्चन यार. इसको या तो क्या मकसद है यार. शादी नहीं पूछ सकते किसी से. नहीं आप इंग्लिश में पूछें. यू आर मैरी. नो. अच्छा क्या मैरी. इस तरह का लड़का पसंद है आपको. व्हाई आर यू नॉट मैरी. इट्स सो देरी. आपकी तरह का थोड़ा सा गंजा हो. मैं कोई टाइम अपना फ्री रहने नहीं देती. अच्छा कोई तो टाइम तो बताएं जिसमें मैं फ्री हूं. क्या मतलब है. मतलब कोई ऐसा टाइम रखें जिसमें आप अपने आप बिकॉज़ यू आर अ लॉट ऑफ वर्क एंड यू आर अ लॉट ऑफ वर्क टू आवर द कंट्री द सर्विस. यस यस ठीक है. तो व्हाई यू आर नॉट फ्री एंड यू आर रिलैक्स एंड गो टू. नहीं देखें जिंदगी में ना बहुत अल्लाह ताला बहुत कम लोगों को मौका देता है और बहुत कम टाइम देता है. जिंदगी बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है. क्या बात. ठीक है. तो जब मौका मिल गया है तो मैं नहीं चाहती कि मेरे हाथ से वो मौका जाए और जितना हो सकता है मैं सर्व कर दूं क्योंकि मुझे अल्लाह ने चुना है इस चीज के लिए. और आपने एक मैंने चीज देखी. यू आर अ वेरी यू नो इंग्लिश में क्या बोलते हैं. भूल गया इंग्लिश में. यू आर क्या बोलते हैं. हंबल हंबल एंड यू आर वेरी सॉफ्ट एंड यू आर वेरी
That's all, बस खत्म ही। You are very positive in normal life. I have to see you. और आप उस call पे चलते हैं, call है ना कि अच्छी ज़िंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल कर लो, या फिर जो हासिल है उसे पसंद कर लो। तो इसी जुस्तजू में आदमी की ज़िंदगी होनी चाहिए, है ना? तो आप बस मैं ये याद करके आता बोल दिया। तो आपको फिल्में किस तरह की पसंद है? Which type you film? Horror films. Horror. Oh. Horror films. Michael Myers हो गया, Freddy Krueger हो गया। ये कौन है? ये खाली। ये Evil Dead के ज़माने हैं ये सारे। Evil Dead. या या। अच्छा Evil Dead तो horror film अकेले में देखी है? डर नहीं लगता ऐसी horror movies देख के अकेले में? क्योंकि मैं हूँ भी अकलौती। आपका है सर, ये सुबह सुबह तैयार होके जा रहा है, मैंने बोला कहाँ जा रहा है, कह रहा है शनाख्ती कार्ड बनवाने, मुंह पे कोई निशान नहीं, कट लगवाने जा रहा हूँ। अच्छा फिर भी ये हम लोगों को क्यों, मुस्तफा भाई आप भी बताए ना कि हम लोग चेहरे में ऐसी क्या प्रॉब्लम है जो लड़के चेहरे में, तुम्हारे है फ्यूचर फैमिली में प्रॉब्लम है कोई? आई थिंक ये सीरियस बता रहा है। आई थिंक ये जो बरसगीर का जो खत्ता, यही हमने ये चीजें ज्यादा, अगर आप नोटिस करें, ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, तो ये आई थिंक ये कल्चर है कुछ इस तरीके का, रिस्पेक्ट शरारत नहीं है या कोई इसके अंदर कोई आई थिंक कॉन्स्पिरेसी भी नहीं है, मैं समझता हूँ, बट ये आई थिंक ये रिस्पेक्ट है थोड़ा सा, रिस्पेक्ट देने के लिए। अगला जो एक आदमी समा बना के बैठा है बंगला बना, वो तो डूब गया ना, प्लानिंग करके बैठा हुआ है, प्लानिंग करके बैठा हुआ है, आई थिंक उसने फिर गलत प्लानिंग की ना फिर। अच्छा नहीं होता ना, वन साइडेड डील। अच्छा सर, इफ यू गो इन फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, यू गो वीडियो सेंटर, व्हिच फिल्म यू हैव टू टेक इट, जिससे आप एंजॉय करें ना, कम से कम 3 साल, आई मीन आई एम शॉक्ड टू हियर के दो सालों की फिल्म देखी। नहीं नहीं नहीं, जो ये कह रही है हॉरर मूवीज देखने की, वेरी ट्रू, मैं भी यही सोच रही हूं, इसलिए कि मेरे हिसाब से अच्छी बात है, इंसान का अलग अलग टेस्ट है सारा, मेरे हिसाब से जो है वो 3 घंटे इंसान इंजॉय करे, और मैं जो है वो इंजॉय कॉमेडी हो उसके अंदर कोई अच्छा एक्शन हो या कोई कंटेंट हो जिसमें इंसान इंजॉय करे। मैं तो एक तो रोने वाली फिल्में, ट्रेजेडी मूवीज, आई हेट दोज मूवी, मूवी तो फिर मूवी की तरह देखे ना इंसान। कई प्रॉब्लम बता चुका हूँ, मुझे माधुरी पसंद है। फर्ज करें पानी पानी हो, माधुरी डूब रही हो, और तो आपके अलावा कोई ना हो, आप बचाएंगे? ऐसी वाली पसंद नहीं है। मैं जानता हूं नहीं पसंद है। अगर आप डूब रहे हो, माधुरी खड़ी हो अकेली, तो आपको स्विमिंग आती है सर? मुझे स्विमिंग आती थी, भूल गया मैं। क्यों? स्विमिंग की बहुत अरसा हो गया जो है वो, इसकी स्विमिंग की भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। साइकिल चलाना कोई भूलता नहीं है, स्विमिंग नहीं नहीं ऐसा नहीं, प्रैक्टिस, आई थिंक की प्रैक्टिस अगर हर चीज भूल जाए, एवरी डू यू प्रैक्टिस तो देन यू आर यू नो, समझ गए। अच्छा मायरा एक्सरसाइज वगैरह करती है, जॉगिंग करती है, पार्क में जाके करती है, घर में करती है? नहीं नहीं, घर में करती है। माहौल नहीं है, बाहर में माहौल नहीं है। माहौल क्यों नहीं है? लेडीज पार्क होते हैं, उसमें जाके कर सकती है, उसमें जेंट्स भी तो होते हैं। थोड़ा वो अब अनसेफ सा माहौल हो गया ना, तो सर ये क्यों है सर, व्हाई द वुमेन्स आर नॉट यू नो, समझ गए ना, ऐसे करके बताऊं या क्या करूं? सर ये तो इसलिए ऐसे कर रहा है, इंग्लिश वो फंस रही है ना, वो निकालने की कोशिश कर। अनफॉर्चुनेट, बड़ी बदकिस्मती है वैसे ये, फर्स्ट ऑफ ऑल जी जी, होना ये नहीं चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली है, और बेहतर ये कि हम इसको एक्सेप्ट करें कि ऐसा माहौल है, खराब माहौल है। जी जी। जब हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम कहेंगे नहीं सब अच्छा है जी, फलां जगह तो ये होता है, ऐसे होता है, नहीं नहीं इट्स ऑल क्रैप, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल बहुत ही खराब हालात हैं अभी, तो काम जरूरत के तहत खवातीन बाहर निकलती हैं तो प्रॉब्लम है, जॉगिंग के लिए निकलेंगी तो पता नहीं जो है वो क्या क्या सिचुएशन होगी, तो वो जॉगिंग करेंगे जिन्होंने कभी जो पैदल ही चलते बेचारे। जॉगिंग कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हमें ओवरऑल तो माशरा हमारा सेफ नहीं है ना, आप मर्द सेफ नहीं है तो औरतें कहां से सेफ होंगी? वेल गाइस, हियर वी विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक एंड वी विल बी राइट बैक, सो स्टे विद अस।